नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन जी। देखिए, चला गया 2023, आ गया आखिरी महीना दिसंबर का। तो जी, करते हैं बात आपके दिसंबर के महीने की। बात करेंगे तुला राशि के बारे में, तुझली लिब्रंस के बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला वक्त दिसंबर का। जानेंगे आपके जॉब, आपका फाइनेंस, जानेंगे आपको क्या ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में और आपकी हेल्थ, और जानेंगे कुछ जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो, और लव लाइफ वो कैसे भूल सकते हैं जी। क्या बात, क्या बात, ओ माय गुडनेस, तीन तीन मेजर आर्काना, चार चार। क्या कर दिया, ज्यादा मेहनत कर ली है, अब तो आप बनने वाले हैं स्टार, ऐसा क्या काम कर दिया। जिंदगी में होने वाली है नई शुरुआत, बहुत ही बढ़िया। कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिसका गुड लक आपके साथ बहुत जबरदस्त काम करता है। आपने अपने जॉब में, बिजनेस में बे इंतहा मेहनत करी है, शायद विदेश भी होके आए हैं और अब बैलेंस हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। जितने भी लोगों की बात सुनी, सबकी बातें सुन सुन के लोगों के बारे में सोच सोच के, एक्चुअली ना अपनी लाइफ रिवाइंड अप कर रखी थी आपने। अब आपने सोची अपने बारे में, ये करा सबसे बढ़िया काम। आप अब सबकी सुनते हैं, करते अपने मन की है, बट आपको नहीं लगता कि थोड़ी अकड़ ज्यादा है आप में? आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, अकड़ना मत, ईगो मत लेके आइएगा। देखिए, किसी ने सही बात बोली है, अकड़ना नहीं है क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, है ना। तो ये बात समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, जितना फर्श पे झुक के चलेंगे ना उतनी ऊंचाइयां पालेंगे, और जितना ऊपर उड़ के चलेंगे उतनी जल्दी नीचे आ जाएंगे। अब आप एक स्टार सीड बनने वाले हो। कोई है ऐसा आपके आसपास, किसी की एनर्जी है जो खुद एक स्टार है, बहुत वेल्दी, मतलब अगर मैं आपके थ्री ऑफ एम्प्रेस का कार्ड देख रही हूँ, थ्री एम्प्रेस का नंबर तीन होता है, तो कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपके गुरु को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके गुड लक को स्ट्रॉन्ग करता है। हो सकता है आप तीन नंबर हो, या कहीं ना कहीं तीन नंबर आपकी लाइफ से बहुत रिलेटेड हो। अभी तक शायद आपका गुरु भी खराब था, मे बी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो भी ठीक होने वाला है। ये दिसंबर का महीना आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। क्रिसमस के आसपास आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि बस आपको लगेगा इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं मांगा और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। इतनी खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में, आपसे संभले नहीं संभलेंगे। कोई एक इंसान, कोई एक डील, कोई एक प्रोजेक्ट, है ना, कोई ऐसा होता ना कि बस ये मिल जाए, बस इसके अलावा तो बस कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मिल गया। और वैसे भी आपको कोई कमी नहीं है। चुप रहना बहुत अच्छा काम है, पर जहां बोलने की जरूरत हो वहां तो बोलना पड़ेगा ना। किसको क्या पता आपके दिल दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इतना सोच के अपनी लाइफ को बिल्कुल आपने डेड कर दिया था, पर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने पिछले 8 महीने से, अगर मैं बोलूं 6-8 महीनों से, आई कैन से ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, या बोल सकते हैं 1.25 साल, आपने अपने आप को किसी चीज में बहुत व्यस्त किया, शायद किसी को भुलाने के लिए, किसी से दूर जाने के लिए, या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। किसी का साथ या किसी की कोई ऐसी बात जिस पे आप बहुत करते हैं विश्वास, शायद किसी से एक कन्वर्सेशन करने पे ही आपकी लाइफ में बहुत चीजें सॉल्व होती है ना। हो सकती है वो शायद आपसे बड़ी हो या आपसे छोटी हो, बट अथॉरिटी फिगर है, ठीक है। आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, बट ये है एक लेडी, अब थोड़ी पोजीशन स्ट्रांग हो गई है उनकी, जिन लेडी की मैं बात कर रही हूँ, थोड़ी नहीं मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई है, और उनका विजन इतना क्लियर है कि आपका झूठ, आपका फरेब, आपकी बोली हुई बातें, या आपका घुमा फिरा के चीजों को पोर्ट्रेट करना,
अब ये आपके बस की बात नहीं है कि आप उनको बेवकूफ बना सकते, क्योंकि वो आपको संभाल रही थी। और बोल, कई बार होता है ना कि इंसान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन बोले भी इंसान की एनर्जी, उनकी वाइब्स, उनकी सोच आप तक पहुंचने पे ही आप बैलेंस हो जाते हो। वो कहते हैं ना माँ की विशेज होती हैं, ऐसी किसी दोस्त की कि कोई ऐसा है जिसकी विशेज हैं आपके साथ कि आप खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, शायद मेरे वर्ड्स बड़े छोटे हैं, क्योंकि एम्परर स्टार फूल, एम्परर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद एट ऑफ पेंटिकल, ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है सारा का सारा, बहुत खूबसूरत। मतलब एक बार वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बस थोड़ा जबान पे अपनी कंट्रोल रखना कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे इस लेडी ने जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, आपके पास कुछ था नहीं था, चाहे आपकी माँ है, बहन है, बीवी है, या कोई कोई भी ऐसी दोस्त है, कोई कुछ भी है, ये दुखी नहीं होनी चाहिए, इसके दिल पे कोई दुख नहीं पहुँचना चाहिए। और अगर पहुँचा ना तो आपको ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती, कभी भी आप इसके साथ कुछ भी बुरा करो। और अब ये ऐसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की गद्दी पे बैठी है, मतलब कोई हायर पोजीशन है, विजन इतना क्लियर है और क्लियर कट बात करती होगी कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, आप कभी भी सलाह लेंगे ना, मतलब ये आपकी कोई भी, आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बड़ी बैलेंस एनर्जी है, कोई टिक नहीं सकता इनके सामने। और आपने अपनी जिंदगी को ये सोच लिया कि ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, बट किसी का बैक सपोर्ट, किसी की विशेज आपके लिए बहुत काम करी है। अब आपकी जिंदगी में जितने भी हार्ट अटैक लॉसेस हुए ना, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को ऐसी बात बोली जो किसी को चुभ गई, बट आपको रिवर्ट नहीं आया, आपके इस कर्मा का आपको ही रिजल्ट मिला, ठीक है। और अब आपका टाइम है चूज वाइसली, अब ये समय है कि आपको सही रास्ता, सही चीजें चूज करनी है, ठीक है। ये करेंगे तो लाइफ में और आगे बढ़ जाएंगे, अब पीछे मुड़ के मत दिखेगा, जो बीत गया वो बीत गया, अब जो हो रहा है उन चीज़ों को डाइजेस्ट कीजिए। और अब जो नए सोर्सेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सन का काढ़ा है, जो सोर्सेज अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं उन्हें ग्रैब कर लीजिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपका मंगल कहीं ना कहीं खराब होगा, अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अगर आप कंटिन्यू लेवल पे स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं तो वीनस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका वीनस कहीं ना कहीं डाउन होगा। दोनों में से एक चीज है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है, गुस्सा कम, लड़ाई झगड़ा नहीं, सोच समझ के बात करना, तोल मोल के बात करना, जिंदगी में हर चीज सही तरीके, सही टाइम पे बात करना, वक्त कभी पलट के नहीं आता, और ये वक्त आपको खुद मिल रहा है, आपको ये वक्त दिया गया है। और सन का कार्ड ये डिनोट करता है कि डिवाइन की तरफ से आपको ये मौका दिया जा रहा है, तो जो भी चीज़ें पुरानी हो गई आपकी लाइफ में उनको अब डाइजेस्ट कर लीजिए, हाजमोला खा के हजम कर लीजिए और अब कुछ नया खाना शुरू कीजिए। मतलब जिंदगी ये करें नई शुरुआत, 2023 दिसंबर में जो भी हो चुका है उसको कर दीजिए बाय बाय एंड वेलकम 2024, नई तरह से, नई दिशा से, नई तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू कीजिए, पुराना सब कुछ भूल जाइए और अब आगे बढ़िए, ठीक है। अब रह गई आपकी लव लाइफ, जी वो तो बहुत ही जरूरी है ना, उसके बिना तो हम चलते ही नहीं आगे। फ्री योरसेल्फ, फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री करो, जो भी आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, कुछ ऐसा पास्ट है आपकी लाइफ में जिससे आप अटके पड़े हो। देखो हर इंसान एक सा नहीं होता, हर इंसान की सोच एक सी नहीं होती, मैं आपको यहाँ पे बहुत वेल्दी देख रही हूँ, आप हो पैसे वाले, और अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इल्यूजन दिखता है कि लोग आपसे सिर्फ पैसे के लिए बात करते हैं, तो इस विजन को भी हटा दीजिए अपनी लाइफ से। आप देखिएगा आपके जो बहुत कोई आपके क्लोज आपके है, मतलब जिसको आप अपने दिल से बहुत प्यार करते हैं, बट कभी आपने उसको बोला नहीं, आपका एक फेस मास्क है,
है ना, मुझे ऐसा दिखता है कई बार ना हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, इतने साल हो जाते हैं लड़ते झगड़ते, यू नो जिंदगी कट रही है, बट कभी एक दूसरे को ये नहीं बोलते यार अपना तेरे बिना गुजारा ही नहीं है, समझ लो। अरे समझ कैसे लो भाई, समझाओ ना, अपने प्यार को दिखाओ ना, कुछ बोल के बताओ ना, है ना। तो बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, कई बार होता है ना एक जादू की झप्पी बड़ा काम कर जाती है। सो ऐसा कभी कुछ हो ना तो कर लीजिएगा, अपने आप को फ्री रखो, एंड इट्स अ करेक्ट टाइम, इट्स वेरी सेफ टाइम टू लव। अगर कहीं ना कहीं किसी प्यार को मिस कर दिया है, गुस्सा करके लड़ाई करके कुछ छोड़ दिया है, तो प्लीज एक जादू की झप्पी पाके ग्रैब कर लीजिए, सोच को दूर कर दीजिए, पुरानी चीजों को निकाल दीजिए, ठीक है। अगर उसके अलावा फिर भी कहीं अटक रहे हो या कुछ नहीं बोला जा रहा, तो हमसे बात कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नई वीडियोस के साथ। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे ओनली मैसेज करें, नो कॉल्स एंड पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री, ठीक है। और कोई भी और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और देखते रहिए साधना चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, मिलती हूँ 2024 में नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।